समीप ग्वाल झीरी स्थित हनुमान मंदिर आश्रम में निवासरत संत पवनपुरी नागा बाबा पर गुरुवार दोपहर में जानलेवा हमला किया गया। हमले में घायल पवनपुरी नागा बाबा ने बताया कि मैं खेत पर बैठा था, तभी कालू पिता कोदर चिल्लाता हुआ धारिया लेकर आया और उल्टी सीधी गालियां देने लगा। मुझे लगा किसी और को दे रहा होगा, मेरा उससे कभी भी कोई लेना देना तक नहीं था। वो आया और उसने मेरे ऊपर वार किया। बचाव में मैंने हाथ ऊपर किया तो मेरा एक हाथ कट गया और दूसरे हाथ में भी चोट आई है। वहां से मैं भागा और खूटपला तक आया। वहां से राजो थाने पर रिपोर्ट के लिए गया। वहां उससे मुझे सरदारपुर के बाद धार और फिर इंदौर रेफर किया गया। इंदौर MI हॉस्पिटल में मुझे कोई उचित इलाज नहीं मिला और डॉक्टर ने मुझे वहां से भी रवाना कर दिया। वहीं राजो थाना प्रभारी HS रावत ने बताया कि उक्त घटना पर आरोपी कालू पिता कोदर पर धारा 307, 294, 506 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है। घायल को इलाज के लिए सरदारपुर रेफर किया गया। भारत से गोपाल रावड़िया की रिपोर्ट। महाराज जी, आपके साथ में कैसे क्या हादसा हुआ? आप उस समय क्या स्थिति में थे, कहाँ थे, किस प्रकार से थे? हम तो अपने खेत पर थे, बम्बुल के झाड़ के नीचे बैठे थे। वो आया गालू धारिया लेके, उधर से आगे से दूर से आते जाते चिल्ला रहा, गाली गुप्ता जोगड़ा तेरी माँ का बहन का खूब अंडरस्टैंडिंग गाली दे रहा। हम कि दे रहा होगा किसी को, हम फिर भी ध्यान नहीं किया, कभी राम राम श्याम श्याम नहीं। वो सीधे आया, उसने ऊपर हमारे वार किया था सिर के ऊपर। हमने दोनों हाथ ऊपर पकड़ने की कोशिश की तो एक हाथ हमारा कट गया और दूसरे हाथ में भी चोट। इससे पूर्व में कोई विवाद हुआ? कोई विवाद नहीं, राम राम श्याम श्याम कभी नहीं। पूरे गांव में पूछ लो आप लोग, कभी भी इतने साल हो गए मान लो, कभी राम राम श्याम श्याम भी नहीं। हमारी ही चेली अभी कौशलपुरी ने उसको गाय भी दी, सारी सब चीज़ें दी और वो आके बस सीधे घटना के बाद जानकारी किसको दी? सीधे हमें उधर से चले, धूम सिंह था उसकी मोटरसाइकिल से बैठ के खुटपला आए, खुटपला से फिर सोमा को लेके हम सीधे थाने गए। थाने जाके वो पूरी स्थिति देखी, उनने साहब ने ये छेड़ा के किनारे जो हाथ था वो लेके आए। उसके बाद अस्पताल अस्पताल गए, राजोत राजोत से फिर सरदारपुर, सरदारपुर से धार। उन्होंने कहा कि ये मामला इंदौर हो सकता है हाथ का पंजा लगवाने के लिए। उधर देखा व्यवस्था नहीं सही तो हम उधर से भी छोड़ छाड़ के चले आए। अभी डॉक्टर ने इलाज आपका सही नहीं किया? सही नहीं किया, देखो ना ये इसमें देख लो ये इंदौर MI हॉस्पिटल MI में। आपका शुभ नाम?